नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और इस वक्त मैं श्री रविंद्र जैन जी के घर में बांद्रा बंबई में बैठा हूं, खड़ा हूं, आनंद ले रहा हूं और एक बहुत अच्छे अवसर पर मैं यहां आया हूं। इस वक्त मेरे साथ घर में उनके सुपुत्र आयुष्मान हैं। आयुष्मान हमको फूल देने आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जबकि मैं इस परिवार का ही हूँ तो मुझे स्वागत की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा बच्चे जैसा है, हमारा प्यार है, तो भगवान इसको बहुत सफलता दे, जो भी करे, जिस भी क्षेत्र में आए। दिव्या जी यहाँ पर हैं, श्री रविंद्र जैन जी की पत्नी, जिन्होंने एक पिलर की तरह श्री रविंद्र जैन जी का साथ दिया और उनके उनके जीवन को, उनके संसार को एक अच्छी तरह व्यवस्थित किया। यही पत्नी का कार्य होता है जो उन्होंने किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज इस अवसर पर इस सीडी को मैं रिलीज कर रहा हूँ। अब हम उस सीडी को रिलीज करने का काम करेंगे। चाहे राम भजो चाहे श्याम, तो प्रेम आएगा। तो इस सीडी का विमोचन आज हुआ और हम चाहेंगे कि घर घर में ये सीडी पहुंचे और इसके भजन इसका भी विमोचन करना सर। हाँ, ये कौन है? हाँ सर, हमारे साथ जी हैं श्रीमती, हमारे साथ दिव्या जी की माता जी हैं श्रीमती निर्मला जैन। इन्होंने ही इस एल्बम में सारे भजन लिखे हैं। जपले जपले प्रभु का नाम, और श्री रविंद्र जैन जी की आवाज़ है, उन्होंने संगीत दिया है, उन्होंने गाया है। और ये कितनी खुशी की बात है कि अपनी सास के लिखे हुए भजन गाए। इसको कहते हैं कि पूरे परिवार में संगीत रमा हुआ है, पूरे संगीत पूरे संसार में। अब फिर में एक बार हाँ सामने जी